की तो चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे बड़े गांव के किसान उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह यादव जी बड़ा गांव के ने 130 गांवों का दौरा किया है और ये दौरा जो विकास के कार्य हुए हैं चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में उसके लिए ये दौरा किया गया था, तो उनसे जानना चाहेंगे दौरे के बारे में। बताइए कहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की थी? मैंने 22 तारीख को दिल्ली से यात्रा प्रारंभ किया था। 22 तारीख से लगातार 10 दिन तक मैंने लगातार दौरा किया। बीच बीच में पानी भी बरसा लेकिन मैं नहीं रुका और लगभग 130 गाँव में दौरा किया। दौरा करने का मकसद उद्देश्य हमारा ये था कि छोटे साहब हमारे आदरणीय विधायक जी द्वारा ये पिछले 4.5 साल में विकास कार्य किए गए हैं, उनके बारे में अवगत कराना और कांग्रेस पार्टी की नीति और नीति के बारे में बताना। और आज तक 19.5 साल से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है शिवराज सिंह मामा की, उसके बारे में उसके झूठ के बारे में लोगों के सामने पर्दाफाश करना ये हमारा उद्देश्य था। अभी मतलब जैसे कि विधानसभा का चुनाव होना है 2023 में, तो आपने 130 गांव का दौरा किया है, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए मैंने कुमराज ब्लॉक के सभी 130 गांव में दौरा किया है और सभी जगह मैंने बिल्कुल बारीकी से लोगों से चर्चा की है। अच्छी तरह कांग्रेस की लहर है पूरे प्रदेश में, चाचौड़ा विधानसभा में इस बार पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छे अंतर से हमारे सुरक्षा। मतलब आप ये बताइए मतलब अभी विधायक अपने कांग्रेस के ही हैं चाचौड़ा क्षेत्र में, माननीय छोटे राजा साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी, और 5 वर्ष में विकास के जो कार्य हुए हैं कितने कार्य हुए हैं चाचौड़ा क्षेत्र? देखिए पिछले 4.5 साल में हमारे आदरणीय राज साहब आदरणीय विधायक जी ने चाचौड़ा विधानसभा में अनेक विकास कार्य कराए हैं और अनेक सड़कें बनाई हैं। अभी हाल ही मेरी ग्राम पंचायत जो बड़ा गाँव आती है, राजस्थान का बॉर्डर है, वहीं से राजस्थान सीमा से और दरियाई गणेशपुरा होते हुए कुमराज तक एक सड़क बनाई है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत से कुमराज के लिए भमा धोती हुई एक सड़क पहले से है, इसके बावजूद भी दूसरी सड़क हमें दी है। इसी प्रकार उन्होंने कई सड़कों का निर्माण करवाया है, कई पुलों का निर्माण करवाया है, कई तालाबों का निर्माण करवाया है और बहुत सारे विकास कार्य किए। गुंडों की गुंडागर्दी भी देखते रहिए। डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।